हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो एक हॉरर ड्रामा मूवी है जिसका नाम लिविंग डेथ है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक विक्टर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही अमीर होता है। वो अपने साथ एक लड़की को लाया होता है जिसका नाम मलिन होता है। विक्टर उसे यहाँ मस्ती करने के लिए लाया होता है। मलिन जब उसकी प्रॉपर्टी देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बंगला नहीं देखी रहती। विक्टर मलिन को अंदर ले जाकर वाइन सर्व करता है। विक्टर मलिन को बताता है कि हाल ही में उसके पिता की मृत्यु हुई है, तब से यह प्रॉपर्टी उसकी हो गई है। इसके बाद विक्टर मलिन की आंखों में पट्टी बांधता है और उसे एक रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद मलिन की पट्टी खोलता है। मलिन वहां पर देखती है कि वह एक टॉर्चर रूम है यहाँ, और यहाँ पर कई सारे टॉर्चर के सामान पड़े हैं। यह देख कर वह हैरान हो जाती है और विक्टर से पूछती है ये सब क्या है, जिस पर विक्टर कहता है कि उसका खानदान पहले से ही बहुत अमीर था और उसके दादा और पिता अक्सर लोगों को यहाँ पर ला के टॉर्चर किया करते थे। विक्टर चाहता है कि वह मलिन के साथ इस रैक पर वह सब कुछ करे जो एक टॉर्चर रैक है। मलिन इस बात के लिए राजी नहीं होती है, लेकिन विक्टर उसे ऐसे तैसे करके मना लेता है। विक्टर मलिन को उस रैक पर लेटा कर उसके हाथ पैर बांध देता है और उससे कहता है कि वह चाहे तो वह उसे स्ट्रेच कर सकता है, लेकिन मलिन मना कर देती है। फिर विक्टर के काफ़ी कहने पर वह मान जाती है। फिर विक्टर उस रैक का हैंडल घुमाता है जिससे मलिन स्ट्रेच होने लगती है। तो ही विक्टर कहता है कि इस रैक का यह पहला लेबल है और वह उसे 6 लेबर तक घुमा दे तो उसकी शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, जिस पर मलिन उसे मना करती है। तभी वहां पर विक्टर की बीवी एलिजाबेथ आ जाती है। इससे गलती से विक्टर के हाथ से वह हैंडल घूम जाता है और मलिन की पैर की हड्डी टूट जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर मलिन ने विक्टर पर केस कर दिया था। विक्टर का एक वकील होता है जो उसके बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम रोमन है। वह मलिन से इस केस को वापस लेने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि इस केस से न तो तुम्हारा फायदा होने वाला और न ही विक्टर का। और वह इसके लिए मलिन को पैसे का ऑफर देता है और मलिन मान जाती है और वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। उसके बाद विक्टर रोमन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड है। वह उससे यह भी कहता है कि जब वह मरे तो उसकी बॉडी से कोई भी ऑर्गन निकाला ना जाए और मुझे ऐसे ही सही सलामत दफना दिया जाए। यह सुनकर रोमन कहता है वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद विक्टर घर आता है तो अपनी बीवी से मिलता है। इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि विक्टर एक अय्याश आदमी होता है जो हमेशा लड़कियों को अपने घर बुलाता रहता है, जिससे दोनों के बीच में हमेशा अनबन होती रहती है। विक्टर अपनी बीवी को सेड्यूस करता है और गलती से उसकी गर्दन काट देता है। यह देखकर उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही में हैरान हो जाती है कि वह इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। रात को विक्टर ने अपने घर में एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर कई सारे लोग आए होते हैं। विक्टर वहाँ पर एक आदमी के साथ जुआ खेल रहा होता है। तभी उसकी बीवी वहाँ पर आकर कहती है कि वह जुआ ना खेले। यह सुनकर विक्टर सबके सामने एलिजाबेथ की बेइज्जती करने लगता है, जिससे एलिजाबेथ वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके रूम में रोमन होता है जो उसे किस कर रहा होता है, जिसे पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है जिसके बारे में विक्टर को नहीं पता है। इधर विक्टर ढेर सारे पैसे हार गया होता है तो वह अपने प्रतिनिधित्व को अपनी बंदूक दिखाकर डरा रहा होता है। इसके बाद वह अपने बीबी के कमरे के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है, जिससे एलिजाबेथ उसकी आवाज़ सुनकर रोमन को एक कवर्ड में छिपा देती है। फिर उसके बाद दरवाजा खोलती है। विक्टर काफी नशे में होता है जिससे वो अपने बीवी के नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे धक्का देकर कहती है वो अभी अपने पिता के जैसा है। इसे विक्टर को काफी बुरा लगता है और वह रोने लगता है। फिर उसके बाद एलिजाबेथ रोमन को कबर से निकाल कर उसे लेकर बाहर चली जाती है। अगले दिन विक्टर बैठकर गेम खेल रहा होता है, तभी एलिजाबेथ वहाँ आकर कहती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है और साथ ही कल के बर्ताव के लिए उसे डांटती है, लेकिन विक्टर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एलिजाबेथ रोमन के पास जाती है, उसे पूछती है कि वो अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाए। ये सुनकर रोमन कहता है अगर वो विक्टर को जान से मार दे तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, फिर उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। एलिजाबेथ कहती है कि वह आज रात को उसके घर पर आए और वहीं पर अपने प्लान को अंजाम दे। यह सुनकर रोमन राजी हो जाता है और वह विक्टर को मारने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद रोमन एक ड्रग मैन्युफैक्चरर के पास जाता है ड्रग खरीदने के लिए ताकि वह विक्टर को मार सके। फिर वह ड्रग मैन्युफैक्चर से पूछता है कि यहाँ पर सबसे जहरीली ड्रग कौन सा है, तो उसे वह एक ड्रग की बोतल देता है और कहता है ये फोगो फिश से बना हुआ है जो जापान में पाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, और उसे यह भी कहता है कि इस ड्रग का बस एक बूंद
ही काफ़ी है इंसान को मारने के लिए। सुनकर रोमर उस ड्रग को खरीद लेता है और वहां से चला जाता है। इधर एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि आज रात डिनर पर रोमन आने वाला है, जिससे वह तैयार हो जाए। इस पर विक्टर कहता है कि रोमन मेरे बचपन का दोस्त है और मुझे उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता नहीं है। तभी रोमन उनके दरवाजे पर आता है तो एलिजाबेथ उसे रिसीव करने के लिए जाती है। वह खाना लाया होता है तो दोनों परोसने लगते हैं और रोमन मौका देकर विक्टर के खाने में वह ड्रग मिला देता है। जब वो दोनों विक्टर को खाना देते हैं तब वह देखता है कि वहाँ पर चॉपस्टिक नहीं है। विक्टर जब चॉपस्टिक लेने जाता है तो वह वहाँ पर उस ड्रग की बोतल को देखता है। यह देखकर रोमन से पूछता है कि यह किस चीज की बोतल है। तो रोमन बोलता है कि कल उसके घर पर पार्टी थी, क्या पता कौन कोई अपना ड्रग का बोतल यहाँ पर छोड़ गया हो। जिसके बाद विक्टर उसे नजरअंदाज करता है, फिर वह खाना खाने लगता है। उसे खाने के बाद विक्टर को अजीब फील होने लगता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ रोमन से पूछती है क्या वो मर चुका है। इस पर रोमन कहता है हाँ यह मर चुका है। तब रोमन विक्टर की तरफ देखकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे यह करना ही था। फिर उसके बाद वे लोग पुलिस को बुलाते हैं और बॉडी की जांच करता है। फिर वहाँ एक डॉक्टर आता है और रोमन से पूछता है कि क्या इसकी फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी थी। इस पर रोमन कहता है कि इसके पिता भी हार्ट अटैक से मरे हैं। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि वह इस बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। तो रोमन कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि विक्टर चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके बॉडी के साथ कोई भी कुछ ना करे, उसे ऐसे ही सही सलामत दफना दिया जाए। यह सुनकर डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगता है तो वह कहता है कि वह इस बारे में कोर्ट से चर्चा करे। डॉक्टर उस लाश को अपने मार्ग में ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लाश को फ्रीजर में रख दे और वह इसके लिए कोर्ट में लड़ाई करेगा ताकि वह पोस्टमार्टम कर सके। इधर रात को रोमन एलिजाबेथ के रूम में ही रुका होता है। वह उसे कहता है कि वह विक्टर का चेहरा भूल नहीं पा रहा है क्योंकि वह उसके बचपन का दोस्त था। एलिजाबेथ भी कहती है कि उसे भी बहुत बुरा लग रहा है लेकिन अब सारी प्रॉपर्टी उसकी है तो वह आराम से रह सकते हैं। अगले दिन विक्टर के लाश को अपने घर ले आता है और उसके फ्यूनर रखवाता है। एलिजाबेथ और रोमन विक्टर के लाश के पास आकर कहते हैं कि वह अब खुशी से रह सकते हैं। तभी वहाँ पर मेलिनी आती है जो कि उसके फ्यूनर को अटेंड करने आई थी। रोमन पूछता है वह यहाँ पर क्यों आई है तो वह कहती है कि वह यह देखने आई है सच में बदतमीज इंसान मर चुका है या नहीं। कहकर मलिन उसकी तलाश पर थूकती है जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। जब वो विक्टर को बरी करने ले जा रहे होते हैं तभी डॉक्टर आ जाता है और रोमन से कहता है कि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर है कि वह विक्टर का पोस्टमार्टम करे। जब रोमन जब उस ऑर्डर को पढ़ता है तब वो कुछ नहीं कर पाता और डॉक्टर उस लाश को अपने साथ ले आता है। यह देखकर रोमन और एलिजाबेथ काफी डर जाते हैं कि अगर पोस्टमार्टम होगा तो सच सामने आएगा। तब रोमन ढेर सारे कॉल मिलाने लगता है लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता कि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था इसलिए वह कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर ड्रग मैन्युफैक्चरर न्यूज़पेपर में विक्टर की मौत की खबर पड़ता है। यह देखकर वह समझ जाता है कि यह काम रोमन का है क्योंकि वह उससे ड्रग ले गया था। तो तुरंत रोमन को कॉल करता है और कहता है कि हो सकता है विक्टर भी मरा ना हो क्योंकि वह उसे ऐसा ड्रग दिया रहता है जिससे पूरी शरीर को पैरालाइज कर देता है और देखने वाले को ऐसा लगता है कि वह मर चुका है। दरअसल उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही होती है और वह अपने आसपास घटनाओं को देख सुन सकता है और वह यह भी कहता है कि हो सकता है कि विक्टर अभी मरा ना हो और उसे एक बार मार्ग में जाकर देख लेना चाहिए। यह सुनकर रोमन बहुत डर जाता है और एलिजाबेथ उससे पूछती है कि कॉल पे कौन था लेकिन रोमन उसे कुछ नहीं बताता है क्योंकि अगर एलिजाबेथ को सच पता चला तो वह उस पर बहुत गुस्सा करेगी। इधर मार्ग में वह डॉक्टर विक्टर का पोस्टमार्टम करने की तैयारी करता है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह यह देखकर सीखेगा कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं। जब वह विक्टर का पेट काटने वाला होता है तभी उसकी बीवी का कॉल आ जाता है और वह कार रिसीव करता है तो उसकी बीवी उसे डांटती है क्योंकि उस दिन उनकी एनिवर्सरी होती और वह भूल गया था। यह सुनकर डॉक्टर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वह अभी घर आ रहा है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह इस बॉडी को फ्रीजर में रख दे और वह कल सुबह आएगा इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। जब डॉक्टर वहां से चला जाता है तब असिस्टेंट अपने दोस्तों
को कॉल कर देता है क्योंकि विक्टर की लाश को लेकर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। इधर रोमन एलिजाबेथ को उसके घर के बाहर छोड़ता है। तभी एलिजाबेथ उससे पूछती है कि वह ऑफिस में कॉल पर किससे बात कर रहा था, तो रोमन उससे कहता है कि वह उसका एक क्लाइंट था। तब एलिजाबेथ समझ जाती है कि रोमन उससे कुछ छिपा रहा है और वहां से चली जाती है। उसके बाद रोमन उस ड्रग मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उस ड्रग में ऐसा क्या था। उसे बताता है कि उस ड्रग में एक ऐसा एंटीडेट होता है जो इंसान को जिंदा रखता है, पर सामने वाले को लगता है कि वो मर चुका है। और उससे यह भी कहता है कि उसे मार्ग में जाकर देखना चाहिए कि विक्टर सच में जिंदा है या मर गया है। यह सुनकर रोमन डर जाता है और मार्ग में जाने के लिए निकल जाता है। इधर दिखाया जाता है कि असिस्टेंट अपने दोस्तों को बुलाए होते हैं ताकि वह विक्टर की बॉडी को काट कर सर्जरी करना सीखे। पहले तो असिस्टेंट अपने दोस्तों से मना करता है कि वह विक्टर की बॉडी को नहीं चूज कर सकते क्योंकि सुपर डॉक्टर यहाँ आएगा और उसे पता चलेगा कि उन्होंने इसकी सर्जरी कर दी है तो उसकी जॉब जा सकती है। तभी उसका दोस्त उसकी एक भी नहीं सुनता और उससे कहता है कि यह बॉडी अभी बहुत फ्रेश है, अगर वह इस पर सर्जरी करना सीखेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर पता चलता है कि विक्टर अभी जिंदा था जो कि वह उस ड्रग के नशे में था, इसलिए उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और वह अपने पास होने वाली घटनाओं को देख सुन रहा था। वह लोग उसकी आँख बंद कर देते हैं और उसका पेट काटने लगते हैं जिससे उसके तरियां दिखने लगती है। उस असिस्टेंट का दोस्त अपना हाथ उसके पेट के अंदर डालता है और अथड़ियां बाहर निकाल देता है। तभी वह देखते हैं कि विक्टर की आंखें दोबारा खुल गई है। वह सोचते हैं कि हो सकता है कि उसके बॉडी का रिएक्शन हो जिससे उसकी आंखें खुल गई हो, फिर उसकी आंखें दोबारा बंद कर देते हैं। इधर मार्ग के रिसेप्शन पर रोमन पहुंचता है जहां पर वह असिस्टेंट उसे अटेंड करने जाता है। वह बताता है कि वह विक्टर का वकील है और वह विक्टर की बॉडी देखना चाहता है, पर असिस्टेंट झूठ बोलता है कि विक्टर की बॉडी यहाँ पर नहीं है, उसे डॉक्टर ने किसी और मार्ग में रखा है जिसके बारे में सिर्फ डॉक्टर को ही पता है, क्योंकि वह डर गया था कि अगर रोमन उसकी बॉडी देखता तो वह पकड़े जाते। फिर वह उसे डॉक्टर का नंबर देके उसे वहां से भगा देता है। इधर सर्जरी करते वक्त देखते हैं कि विक्टर की आंख फिर से खुल गई है। यह देखकर वह डर जाते हैं और फिर उसकी आंखें दोबारा बंद कर देते हैं। तभी वह लोग सर्जरी करने के लिए सर्जरी सॉ निकालते हैं। विक्टर अपना हाथ ऊपर उठा देता है जिससे उसकी उंगलियां उस सॉ पर लग जाती है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि विक्टर भी जिंदा है और उन्होंने एक जिंदा आदमी की बॉडी ली है। वे लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग फैसला करते हैं वह उसे जिंदा दफना देंगे क्योंकि अगर वह उठकर पुलिस को बताएगा तो वह तीनों जेल जा सकते हैं। तीनों जंगल में जाकर एक ग्रेव बनाते हैं ताकि वह विक्टर को दफना सके। जब वो लड़की उसकी लाश पर मिट्टी डाल रही होती है तो विक्टर को होश आ जाता है और वह सर्जिकल नाइफ उसके आंख में घुसा देता है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। फिर फावड़ा उठाकर उस असिस्टेंट पर हमला कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वह उसके तीसरे दोस्त को भी मार देता है। फिर वह गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है और ड्रग लेता है और लाइटर से अपनी कटी हुई उंगलियों को जला देता है से उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वह गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है तब वह रास्ते में मेलेनी को देखता है तो उसे याद आता है कि मेलेनी ने उसके लाश पर थूका था, तो उससे बदला लेने के लिए वह उसके घर में चला जाता है। इधर रोमन और एलिजाबेथ को खबर मिलती है कि विक्टर की बॉडी गायब हो गई है। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और सोचती है कि वह लाश आखिर कहां जा सकती है। लेकिन रोमन को पता था कि विक्टर अभी जिंदा है इसलिए वह शायद वहां से भाग गया है। इधर विक्टर मेलेनी को उसके बिस्तर पर बांध देता है और कहता है कि वह उसे बदला लेगा, वह उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा, उसे बहुत दर्द होगा। तभी विक्टर अपने घर पर फोन करता है तो रोमन फोन उठाता है और विक्टर यह सुनकर हैरान हो जाता है और वह कुछ भी नहीं कहता। एलिजाबेथ उसे पूछती है कि फोन किसका है, वह बताता है कि शायद कोई रॉन्ग नंबर है। तभी मेलेनी अपना हाथ छुड़ा लेती है और विक्टर पर हमला कर देती है। वह फोन उठाकर रोमन से कहती है कि वह उसकी जान बचा ले। तभी विक्टर उसकी स्टिक उठाकर उस पर हमला कर देता है जिससे मेलेनी की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी लाश से कुछ कहता है। उसकी आवाज सुनकर रोमन फोन काट देता है। वह बहुत डर जाता है और एलिजाबेथ पूछती है कि फोन पर कौन था। वह उससे झूठ कहता है कि वह रॉन्ग नंबर था। फिर एलिजाबेथ उससे फोन छीनकर उस नंबर को रिडायल करती है जहां पर उसे पता चलता है कि वह फोन मेलेनी ने किया।
किया था। यह सुनकर वह रोमन के पास आती है और उससे पूछती है कि मेलेनी ने उसके घर पर फोन क्यों किया था। रोमन उसे बताता है कि मेलेनी मर चुकी है और उसे विक्टर ने मारा है और उसे खुद मरता हुआ अपने कानों से सुना है और उसने विक्टर की आवाज भी सुनी। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और पूछती है कि विक्टर मर चुका है और वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। फिर रोमन उसे सब सच बताता है इस ड्रग के बारे में, लेकिन एलिजाबेथ को विश्वास नहीं होता है। फिर वो रूठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी एलिजाबेथ को बाहर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है तो वह उसके पास जाने लगती है। उसे वहां पर सेफ नहीं लगता तो वह अपना बंदूक अपने साथ ले जाती है। उसके बाद घर में तलाशी लेने लगती है। इधर रोमन को बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है। वह इस गाड़ी के पास जाता है। यह गाड़ी विक्टर की थी और वह घर में आ चुका था। रोमन घर में वापस आता है तो उसे एटिक से विक्टर की आवाज आती है जो उसे पुकार रहा होता है। जब वह एटिक में जाता है तब देखता है कि विक्टर ने एलिजाबेथ को बांध रखा है। वह विक्टर से कहता है कि वह एलिजाबेथ को छोड़ दे तो विक्टर कहता है अगर वह उसकी बात मानेगा तो वह उसे छोड़ देगा। वह जबरदस्ती उसे उस रैक पर लेटाता है और उसके हाथ पर बांध देता है। उसके बाद एलिजाबेथ से कहता है कि वह उस हैंडल को खींचे। जब एलिजाबेथ उस हैंडल को खींचने लगती है तब रोमन की बॉडी स्ट्रेच होने लगती है जिससे रोमन को बहुत दर्द होता है। एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि वह बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि यह सब रोमन का ही प्लान था और इसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सुनकर रोमन विक्टर से कहता है कि वह एलिजाबेथ की ना सुने क्योंकि इस प्लानिंग में उसका भी हाथ था। विक्टर कहता है कि वह दोनों कंप्लेंट है और वह दोनों को जान से मार देगा। विक्टर उस रैक के हैंडल को जोर से खींच देता है से रोमन की शरीर कट जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। उसके बाद एलिजाबेथ को मारने लगता है लेकिन एलिजाबेथ उसके पेट पर एक मुक्का मारती है जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती है क्योंकि उसका पेट पहले से ही कटा हुआ था होता है। उसके बाद एलिजाबेथ उसके सर पर मारती है से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस घर में अकेले एलिजाबेथ रहती है क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी अब उसके नाम हो चुकी है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तब हमें पता चलता है कि वो एक प्रेग्नेंट है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।